नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 35 से, और देख सकते हैं किस तरह से एक अर्टिगा गाड़ी बेकाबू होके इस खंभे में लग जाती है। बताया जा रहा है कि दो युवा थे इसमें जो ड्रिंक कर रखी थी जिन्होंने, और मौके से गाड़ी को छोड़कर भाग जाते हैं, और खंभा किस तरह से टूट जाता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और लोगों के मीटर लगे हुए थे वो भी किस तरह से यहाँ पर टूट जाते हैं वो भी आप तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। हालांकि अब खंभा वैसे ही टिका हुआ है, कभी भी ये गिर सकता है, हालांकि बिजली बंद करवाने के लिए बोल दिया गया है। और फिलहाल ये देखिए किस तरह से गाड़ी जो है HR05BG6547 नंबर है, एयरबैग तक इसके खुल जाते हैं और जो चालक थे वो अपनी गाड़ी को यहाँ पर छोड़ कर मौके से भाग जाते हैं। फिलहाल जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस की टीमें मौके पर ज़रूर पहुँच चुकी हैं, देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और सेक्टर 35 की ये तस्वीरें हैं जो पाम रेजिडेंसी है, उस रोड की ये तस्वीरें हैं। अब कौन था ये गाड़ी चालक, फिलहाल अभी इस चीज़ का पता नहीं लग पाया। ये गाड़ी नंबर है HR05BG6547। तमाम लोग व पुलिस की टीमें ज़रूर पहुंच जाती हैं। काफ़ी ज़ोरदार जो आवाज़ है वो आई थी। फिलहाल ये देखिए किस तरह से, बाबूजी कब हुआ था, किस समय हुआ था ये 5:30 बजे के लगभग हुआ। तो कौन था पता नहीं लगा जी? दो बंदे थे जी, दारू पी रहे थे। अच्छा जी। और एक इधर लेट रहा था जिनमें ऊपर से आया, एक उधर था। अच्छा। तो बिल्कुल होश नहीं थी उन्हें? थी होश तो नहीं, तो चल का गए वहाँ, निकल गए, पता नहीं कहाँ निकले, क्योंकि ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो गए, फिर पता ही नहीं लगे कहाँ निकल कर चले गए। सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी भीड़ रहती है इस एरिया में, तो बस सैर करने वाले जावा। हाँ, सैर करने वाले बहुत जावा। बचाव रह गया, बचाव रह गया सबका परमात्मा कृपा से। चलो बहुत बढ़िया जी। तो देखिए बचाव जरूर रहा है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर सैर करने वाले भी काफ़ी होते हैं, और अगर जब बाज़ार खुला होता है तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। और फिलहाल ये देखिए किस तरह से ये हादसा जो है सुबह सुबह हुआ है। बताया जा रहा है कि दो युवा थे जिन्होंने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी, और यहाँ पर एक लेटा हुआ था, एक सामने लेटा हुआ था, जब लोग इकट्ठा होना शुरू हुए तो वो मौके से भाग जाते हैं। ये बीच में से निकली है जी, बीच में से निकली है ये देखिए, ये जो बोतल है बीच में से निकली है, ये बोतल जो है बीच में से निकली है, जो लोग हैं यहाँ पर मौके पर उनके द्वारा निकाली गई है, और सूचना पुलिस को दी गई थी, पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई हैं। हालांकि अब लाइट जो है वो फिलहाल बंद करवाई गई है, क्योंकि ये खंभा गिरने से और बड़ा हादसा ना हो जाए। सुबह 5:30 बजे के लगभग ये हादसा बताया जा रहा है, और जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में हालात क्या बन चुके हैं इस गाड़ी के, कितना ज़ोरदार ये टक्कर रही होगी, और खंभा उखड़ कर कितनी आगे चला जाता है। खंभा इस जगह पर लगा हुआ था, ये देखिए जहाँ पर ये दो तारें लिख रही हैं, इस जगह पर खंभा लगा हुआ था, और खंभा कितनी दूर जाता है, और देखिए यहाँ पर तख्त भी पड़ा हुआ था, तख्त भी कहाँ पर उड़कर जाता है वो आप तस्वीरों में लाइव देख पा रहे होंगे। यार सभी से निवेदन, इस वीडियो को शेयर करें, और फिलहाल जो चालक थे वो गाड़ी को छोड़कर मौके से ज़रूर चले गए हैं। हालांकि पुलिस की टीमों द्वारा अब लाइट को बंद करवाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी मीटर जो हैं बिजली के लगे हुए हैं, कुछ एक मीटर जो हैं वो टूट भी चुके हैं। देखिए जो बिजली के मीटर थे लोगों के वो टूट भी चुके हैं, और जो चालक थे वो ड्रिंक कर चला रहे थे, और बेकाबू होने के बाद गाड़ी इस खंभे में टकराती है, और खंभा जो है वो काफ़ी दूर जाता है, और गाड़ी बेकी देखिए किस तरह से खंभे का पूरा जो निशान है ऊपर गाड़ी के बीचों बीच छपा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा। फिलहाल ये तस्वीरें करनाल के सेक्टर 35 से दिखाई जा रही हैं। सर क्या जानकारी आई थी? हमारे पास जानकारी आई थी भाई एक्सीडेंट हो गया है सुबह 5:30 बजे जी। हम आए मौके पर तो बंदे हमने मिले, एयर बैग खुले हुए मिले, तो यहाँ की पब्लिक ने बताया भाई दो बंदे थे, एक यहाँ पर लेट रहा था, एक उधर लेट रहा था। वो जो ज़्यादा पब्लिक होगी मैं सच सच अपना निकट गया यहाँ से उठ के, ये लगता है शायद टैक्सी में चलती है गाड़ी, बाकी ये तो बता रहे ड्रिंक भी कर रखी। हाँ, उन्होंने ड्रिंक रखी थी, दारू की बोतलें हैं पड़ी है, इसके अंदर ही पड़ी है, उन्होंने काफ़ी ड्रिंक रखी थी, ज़्यादा नशे में थी। ये आइयो बुलाया हमारे को 32 सेक्टर से क्रेन बुलाई है, मेरा रास्ता क्लियर हो जाए। तो बिजली का खंभा भी तोड़ दिया? हाँ, ये बिजली का खंभा भी तोड़ दिया, बिजली का खंभा भी 2 फुट सरक रहा है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन इसमें तारे लगी हुई है, बिजली वाला खड़ा है यहाँ पर, बिजली वाला कहता है इसमें तारे लगी हुई है सुगरते से, ये गिरेगा तो है नहीं, बाकी बंद करा देंगे अभी थोड़ा पब्लिक अभी कब्जे में ले जाएगी गाड़ी। फिलहाल शायद ऐसा देखने में प्रतीत होता है कि ये गाड़ी टैक्सी में चलती हो, देख सकते हैं ऐसा पुलिस की प्राथमिक तौर पर देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता हो कि गाड़ी टैक्सी में चलती हो। पर ये देखिए किस तरह से वो काफ़ी ज़ोरदार हादसा सुबह सुबह, ये देखिए जो ये
बोतल है वो भी इसी गाड़ी में से मिली है जो यहाँ पर पड़ी हुई आपको नज़र आ रही होगी, ये भी इसी के अंदर से मिली है। और खंभा कभी भी गिर सकता है, जिस तरह से अभी पुलिस के द्वारा भी बताया, और खंभा यहाँ पर सिर्फ अब ये तारों की ओट पर खड़ा हुआ है जो आप देख पा रही हैं। फिलहाल ये देखिए किस तरह से काफ़ी ज़ोरदार हादसा सुबह सुबह देखने को मिलता है। यहाँ पर सामान किस तरह से देखिए दूर तक उड़कर जाता है, और भगवान का इतना शुक्र है कि सुबह सुबह यहाँ पर लोग सैर कर रहते हैं वो बचाव रहा, और दूसरा जब बाज़ार खुल जाता है तब भी यहाँ पर रश देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हादसा काफ़ी बड़ा ज़रूर हो सकता था। भगवान का बहुत बड़ा शुक्र रहा बचाव रहा, पर गाड़ी चालक ड्रिंक कर चला रहे थे। पर अपील हम सभी से करेंगे, अगर आपने ड्रिंक रखे तो गाड़ी मत चलाएं, क्योंकि देखिए इस तरह के हादसे हो जाते हैं, फिर पता नहीं लगता क्या हो गया और उसके बाद आप गाड़ी को छोड़कर मौके से चले जाते हैं। देख सकते हैं गाड़ी का नंबर फिर से HR05BG6547 गाड़ी का नंबर है, और गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से चला जाता है। जैसे ही पता लगता है कि पुलिस व लोग इकट्ठा होकर होना शुरू हो चुके हैं और वो मौके से चले जाते हैं। फिलहाल ये देखिए ये अंदर गली जाती है, अंदर गली जाती है और गली का रास्ता भी पूरा बंद हो चुका है, गाड़ी बीचों बीच लगी हुई है और खंभा 2 फुट आगे जो है वो चला जाता है अपनी जगह से। अब सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को देखने वाला, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। करनाल के Sector 35 में देखिए सुबह सुबह 5:30 बजे ये हादसा होता है काफ़ी ज़ोरदार। जब लोगों को पता लगता है तो बाहर आकर देखा जाता है कि गाड़ी काफ़ी तेज जो है टकराव होता है। देखे थे आपने जी? 2 लड़के थे जी, वो भाग गए हैं, वो दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा। एक लड़का यहाँ पड़ा था और एक लड़का वहाँ खंभे के पास पड़ा था। गाड़ी हुआ कैसे पता नहीं लगा, ये दारू पी रखी थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर, हाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में आए मोड़ से। हाँ जी, तो यहाँ से ऊपर गाड़ी चलाई, एकदम बहुत ज़्यादा आवाज़ आई है गाड़ी लगने के बाद। मौके के लोग थे जिनके द्वारा देखा गया, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी ला रहे थे, उसके बाद ये ऊपर आप देखिए थड़े बने हुए हैं, उन थड़ों पर गाड़ी चढ़ाने के बाद सीधा खंभे के अंदर ये गाड़ी लगती है और मौके पर वह कुछ देर के लिए रखते हैं। और फिलहाल ये देखिए किस तरह से बीच में से शराब की बोतलें भी निकली हैं, ये देखिए बीच में से जो शराब की बोतल है वो भी निकलती हैं, और इतनी शराब पी रखी थी कि उनसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा, और मौके से वो जैसे ही दुनिया इकट्ठी होती है, पुलिस इकट्ठी होती है और मौके से जो है वो भाग जाते हैं। फिलहाल आप सभी से निवेदन, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।